कूटने के फायदे। एक बुजुर्ग से एक आदमी बोला कि पहले इतने लोग बीमार नहीं होते थे जितने आज हो रहे हैं। बुजुर्ग ने अपने तजुर्बे से उसको बोला कि भाई जी, पहले कूटने की परंपरा थी जिससे इम्यूनिटी पावर मजबूत रहती थी। पहले हम हर चीज़ को कूटते थे, जब से हमने कूटना छोड़ा है तब से हम सब बीमार होने लग गए हैं। जैसे पहले खेत से अनाज को कूट कर घर लाते थे, घर पर ही धान कूट कर चावल निकलता था, घर में मिर्च मसाला कूटते थे, कपड़े भी कूट कूट कर धोते थे, कभी कभी तो बड़ा भाई भी छोटे को कूट देता था। जब छोटा भाई उसकी शिकायत माँ से करता था तो माँ बड़े भाई को कूट देती थी। अगर गलती से भी किसी का छोटा सा भी नुकसान हो गया तो फिर पिताजी जमकर कूटते थे। यानी कुल मिलाकर दिन भर कूटने का काम चलता रहता था। स्कूल में मास्टर जी कूटते रहते थे, कभी कभी गिर पड़े और चोट लग गई तो फिर पिताजी कूटते थे। जहाँ देखो वहाँ पर कूटने का काम चलता रहता था, तो बीमारी नज़दीक आती नहीं थी, सबकी इम्यूनिटी मजबूत थी, सबका इम्यूनिटी पावर बहुत मजबूत रहता था। जब कभी बच्चा सर्दी में नहाने से मना करता था तो माँ पहले कूट कर उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाती थी फिर नहलाती थी। वर्तमान समय में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए कूटने की परंपरा फिर से चालू होनी चाहिए। दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक शेयर करें और अपने घर में फिर से कूटने की परंपरा शुरू करें। धन्यवाद।